औरत उसका जो है अनुमान है कि वो मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे कि जो दरकार है उससे आगे नहीं बढ़ूंगी उससे पीछे रहूंगी। गजल नहीं है ये नज्म है। कैफी साहब ने ये नज्म उस वक्त लिखी थी जिस वक्त ये देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। उस वक्त जो और शायर थे जो और शोरा थे वो इस किस्म की बात कर रहे थे कि ये मोहब्बत का वक्त नहीं है, मोहब्बत की बातें बाद में होंगी, इस वक्त जंग है और जंग की बात करनी है, वो लड़ाई लड़नी है। लेकिन कैफी साहब का नज़रिया कुछ और था। उन्होंने अपनी शरीक हयात को अपना हम सफ़र तो बनाया ही था, वो थी ही थी, वो उनकी हम कदम ना थी। तो जी कैफी साहब कहते हैं कि उठ मेरी जान, इसका उन्होंने और उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मुझे उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है। कद्र अब तक तेरी तारीफ ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीफ का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। मत से निकल कैद बन जाए मोहब्बत, तुम मोहब्बत से निकल राह का हार ही क्या, गुल भी चलना है तुझे, खुद मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तोड़ ये अज्म शिकन सिलसिलाए पंथ भी तोड़ ये अज्म शिकन सिलसिलाए पंथ भी तोड़, तेरी खातिर है जो जंजीर वो सौगंध भी तोड़, तो ये भी जमरूद का गुलूक बंद भी तोड़ पैमाना है मर्दान है खरद मंद भी तोड़, बंद के तूफान छलकना है उबलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बिना किसी तैयारी के अचानक कहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो चुना है पढ़ के सुना रही हूँ। दरअसल कैफी आज़मी जिंदा दिल शायर थे, उनकी शायरी गज़लों ने ज़िंदगी की तन्हाई को नए मोड़ दिए हैं और हम सबके बड़े ही पसंदीदा शायर रहे हैं। और चूंकि मैं विविध भारती में हूँ तो उनके गाने भी ताकि व्यंग लिखने वालों को इस गज़ल से कुछ सीखना चाहिए। शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा, शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। पेड़ के काटने वालों को यह मालूम तो था, पेड़ के काटने वालों को यह मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा। मशहूर कविता है उनकी दूसरा वनवास। राम वनवास से जब लौट के घर में आए, राम वनवास से लौट के जब घर में आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए, रख से दीवानगी आंगन में जो देखा होगा 6 दिसंबर को। लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ रचा गया है और जिसके अंदर यहाँ बहुत ही मशहूर शख्सियतें मेरे साथ ही विराजमान हैं। मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, लेकिन आज मैंने उनके लिए
उनकी याद में उनके जन्म शती पर कुछ गाने पेश किए, और मैं तो यही बोलूँगा कि एक वो बहुत मकबूल शायर रहे और वो आज भी अमर हैं, और शायद ता उम्र ता ज़िंदगी हम सबके बीच में उनके शायर और उनके कलाम और उनकी बातें, उनकी वानगियाँ रहेगी। मैं मध्य प्रदेश इंदौर से आया हूँ और मैं उनको और उनकी इन सभी गीत और गायन को और शायर और शायरी को बहुत बहुत प्रणाम और वंदन करता हूँ। कैफी जी के लिए पहले आप दो शब्द बोलिए। कैफी जी के लिए दो शब्द तो बहुत कम है, मैं उतना उनके बारे में बहुत डीपली नहीं जानती, लेकिन जितना भी सुना है मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसे इंसान तो बहुत कम पैदा होते हैं इस धरती पे, एक ही दो बंदा होता है जो कभी कभी पैदा होता है, उसमें से हमारे कैफी आज़मी जी हैं। सो मैं कहती हूँ उनको खुश रहें, वो ऊपर भी हैं वहाँ भी खुश रहें। गर्विता जैसी बेटियों के लिए क्या बोलेंगी आप? मैं वही कहना चाह रही हूँ कि आज आप देख रही हैं गर्विता को, तो मतलब मुझे गर्विता पे गर्व नहीं होता, मुझे मदर पे गर्व होता है और फादर पे। रियली मैंने फंक्शन किया था तभी भी ये कहा था, इट्स नॉट आसान जो वो कर रहे हैं, वो भी शायद एक ही जैसे श्रवण कुमार था उस ज़माने में। ऐसे मैंने बहुत, आपको पता है मैं ऑलराउंडर हूँ, बहुत घूमती हूँ फिरती हूँ, मगर जो मैंने इस बच्ची का, मैं 10 साल कम से कम उससे ज़्यादा हो गए जानते, मगर जो मैंने गर्विता के पेरेंट्स का देखा है, उसको पैम्पर करना, हर चीज़ में मोटिवेट करना, बहुत कम माँ बाप होते हैं और ऐसे बच्चे भी बहुत कम खुश नसीब होते हैं जो आज गर्विता है। उस पर हमें भी गर्व है कि अगर इतना ऐसा बच्चा और ऐसा दिमाग और इतनी मेहनत, और वो कभी भी किसी चीज़ में हार नहीं मानती, तो ऐसे भी बच्चे कम होते हैं जिस जो अपनी माँ का वो प्राउड ऊंचा कर रहे हैं और माँ बाप अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं। मासी हैं जो ऑलवेज़ अगर बॉम्बे में आते हैं, मासा मासी ऑलवेज साथ में रहते हैं। बुआ हैं, अच्छा। अपनी बुआ के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी बुआ ने इतना मुझे सराहा है, इतना मुझे आगे बढ़ाया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मम्मी के लिए तो माँ ही होती है, माँ के लिए तो कहना मतलब कुछ शब्द ही नहीं है, माँ तो माँ होती है, माँ के लिए तो मतलब शब्द कुछ है ही नहीं। माँ जितना करती है उससे दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये हमारी बेटी है गर्विता, हम लोग उज्जैन से आए हैं और ये सिंगिंग में इसका बहुत समय से रुझान है और ये 8-10 सालों से सिंगिंग करती है, प्लस ये यूको बैंक में उज्जैन की ब्रांच में जॉब भी करती है, और सिंगिंग में इसका इतना इंटरेस्ट है कि कैफी आज़मी साहब का आज जन्म शती पर इसने उनके दो गाने तैयार करे और आज इस प्रोग्राम में गाए हैं। मैं उन गानों को अभी आप सभी ने सुना है, मैं बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, हमें क्या